सब्सक्राइब कीजिए हेल्पिंग तपन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, आज एक नया रिक्रूटमेंट के बारे में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो इंजीनियरिंग सेक्टर में वैकेंसी पड़ा है। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारा वैकेंसी पड़ा है दोस्तों इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो इसका नाम है नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट ऑफ HRD, यूनिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD डिपार्टमेंट का है। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा इंजीनियरिंग सेक्टर में वैकेंसी है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो यहाँ पे BE या BTEC और ME या MTEC, मतलब मास्टर इन टेक्निकल या बैचलर इन टेक्निकल, कोई भी ब्रांच में अगर आप किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 60% या 6.75 CGPA के अबव है आपकी परसेंटेज जो है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारा ब्रांचेस है, मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल, बहुत सारा, पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर का पूरा भरा हुआ है। मैं तो जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है और अप्लाई के लिए लिंक भी दिया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, यहाँ पे प्रोफेसर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये टेक्निकल का विथ BSc जो साइंस लेवल में रिक्रूटमेंट भी आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में भी है। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज के बात करें तो यहाँ पे ग्रेड मांग रहा है 6.75 या परसेंटेज 60 एवव होना चाहिए ये इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट IIT या IISc, NIT, ETC, ऐसे इंजीनियरिंग सेक्टर की मांग रहा है। दूसरे में जो नॉन टेक्निकल आ रहा है, PhD मांग रहा है डिग्री। और यहाँ पे एज, मैक्सिमम एज 40 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसका एप्लीकेशन फ़ी बताया जाए तो यहाँ पे 500 रुपया आपको मांग रहा है एप्लीकेशन फ़ी। इसमें एक सैलरी की बात करें तो इसमें लिख रहा है कि 70,000 पर मंथ, ये शायद बेसिक लिखा हुआ है 70,000 पर मंथ। इसमें TA, DA या HRA कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो ऐड होने के बाद आपको काफ़ी लग जाएगा, मतलब 70 के 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी के बाद डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है, इससे अच्छा है आपको वैकेंसी में बारे में बता देता हूँ। वैकेंसी यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो रहा है 19 नवंबर को, उससे पहले आप अगर चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो और ब्रांच वाइज और स्टेट वाइज आपको अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार एक वैकेंसी है, आसाम का 6 है, बिहार का 46 है, झारखंड का 16 है, MP का 32 है, उड़ीसा का 15 है, राजस्थान 36 है, त्रिपुरा 2 है, UP में 0 है, ऐसे उत्तराखंड में 30 है, जम्मू कश्मीर में 14 है। यहाँ पे टोटल 198 का वैकेंसी पड़ा है सिविल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल का भी ऐसा ही है, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा है कि स्टेट वाइज 205 का वैकेंसी मैकेनिकल का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल में 164 में है, और इलेक्ट्रिकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 163 है, कंप्यूटर साइंस में भी 184 है। काफ़ी सारा वैकेंसी दोस्तों पड़ा है, अगर आप चाहती हो तो जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हो। उसको अप्लाई करने के लिए आपकी साइट नीचे दिया हुआ है, और वो भी मैं बोल देता हूँ, npiu.nic.in को अप्लाई करिए, वो भी 19 नवंबर से पहले। जैसे कि आपकी गेट की अभी एलिजिबिलिटी, मतलब गेट कंपलसरी हो गया, अगर गेट आपकी गेट का चाहिए वो सर्टिफिकेट, गेट का आप गेट एग्जाम देना चाहिए तो इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों इंटरव्यू सेंटर भी दे दिया है, ये शायद इंटरव्यू प्रोसेस है, मतलब रिटन टेस्ट नहीं है इसमें।
तो यहाँ पे इंटरव्यू में सेंटर दिया हुआ है NIT अहमदाबाद, वाडेंगल, भोपाल, जमशेदपुर, नागपुर, यहाँ पे पूरा NIT इंस्टीट्यूट में ही हो रहा है। तो पूरा तो आपकी कौन सा नज़दीक है वो आप देख लीजिए, इसमें जो आपकी नज़दीक होगा। और वो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मांग रहा है तो आप उसको दे सकते हो। इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन बिटवीन 11th एंड 15th दिसंबर, 11th या 15th के दिसंबर के अंदर ही इंटरव्यू होगा दोस्तों। दोस्तों इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं आपको बताने के लिए। अगर आप चाहते हो तो इसको जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, और ऐसे मेरा वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर मेरा जो रिक्रूटमेंट के बारे में हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और मेरा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।